बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बड़गांव से लगे जटाल जलाशय के वाल्व में एक अज्ञात महिला का नग्न शव संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने बरामद किया। अज्ञात महिला का शव 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पानी में 3 से 4 दिनों तक शव के डूबे हुए होने की वजह से उसकी पहचान नहीं की जा सकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह परसवाड़ा पुलिस को डायल 100 पर सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला का शव जटाल जलाशय के वाल्व में तैरता हुआ दिख रहा है। सूचना से मौके पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस ने महिला के शव को बाहर निकलवाया। मृतिका के गले और कमर में 2 बड़े पत्थर बंधे हुए थे। मृतक के शरीर पर अंतरंग वस्त्र के अलावा कुछ नहीं था। वहीं कमर पर भगवा रंग का एक गमछा बंधा हुआ था और कमर, गले तथा पैर में रस्सी बंधी हुई थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि महिला से दुराचार किया गया होगा। शव के बदबू फैलने से जलाशय में नहाने आए लड़कों ने परसवाड़ा पुलिस को सूचित किया। बहरहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। परसवाड़ा पुलिस द्वारा मामले में मार्ग कायम कर पंचनामा कर लिया गया है। कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा भेज दिया गया है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। ग्राम बड़गांव का जटाल तालाब है, तालाब में नहर का जो वाल्व बना हुआ है उस कुएं के अंदर एक डेड बॉडी मिली थी, जिसको बाहर निकलवाए तो करीब 30-35 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली है और उसके मर्ग कायम कर जांच में लिया है। ये डेड बॉडी अज्ञात है, शिनाख्त की का प्रयास कर रहे हैं और मर्ग जांच कर कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने दिन पुरानी लग रही है डेड बॉडी? प्रथम दृष्टया तो अभी FSLT में आ रही है और PM के बाद ही पता चलेगा कि कितनी पुरानी है, लेकिन 2-3 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। सर, थाने में सूचना कैसे पहुंची? 200 डायल पे इवेंट मिला था, क्योंकि गन मारने लगा था, इसलिए यहाँ जो नहाने लड़के आए थे उन लोगों ने देखा था और उन्होंने बताया कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम लोग मौके पर आकर के कार्रवाई की है। सर, महिला की उम्र कितनी देखने को बताया जा रहा है? 30 से 35 वर्षीय लगभग लग रहा है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।